मार्वल स्टूडियो के अवेंजर्स एंड गेम की बात करें तो रिलीज के साथ ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हुई नजर आ रही है। पूरी दुनिया भर में इस फ्रेंचाइजी के चाहने वाले काफी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और जब एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हो चुकी है तो जाहिर सी बात है इन फिल्मों के स्टार कास्ट की फीस का भी खुलासा हो गया है। जाहिर है कि इनकी फीस जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आयरन मैन हो या हल्क या फिल्म के किरदारों को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फिल्म में एवेंजर्स की सीरीज में इन स्टारों को काम करने के लिए रकम दी गई है। बताते चले एक रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर को 524 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी, जबकि स्पाइडरमैन होमकॉन्ग में छोटे से रोल के लिए रॉबर्ट को 34 करोड़ रुपए की फीस दी गई थी, जिसके लिए उन्हें महज 3 दिन की शूटिंग करनी थी। खैर, रॉबर्ट डाउनी जूनियर की फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि निर्माता को बड़ी फीस देने में कोई भी हिचक नहीं होती। मार्वल की सबसे पहले फिल्म थी आयरन मैन, जो साल 2008 में रिलीज हुई थी और यह सुपरहिट रही थी। इसके साथ ही आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि मार्वल स्टूडियो की एवेंजर्स सीरीज के लीड एक्टर हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने आयरन मैन का किरदार अदा किया है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हर सुपरहीरो की अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग मानी जाती है और साल 2008 से शुरू हुए 22 फिल्मों का सफर एवेंजर्स एंड गेम के साथ खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही इन सितारों के अगर फीस की तरफ आ जाए तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पिछले साल आई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के लिए तकरीबन $75 मिलियन यानी 524 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस दी गई थी। रॉबर्ट इस सीरीज के सबसे ज्यादा फीस पाने वाले इकलौते एक्टर हैं। इसी के साथ ही अगर थोर की बात करें तो थोर की भूमिका के लिए ऑस्ट्रेलिया एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ को $21 से $28 मिलियन यानी 145 से 190 करोड़ रुपए के बीच फीस दी गई है। वहीं पर कैप्टन अमेरिका की बात करें तो कैप्टन अमेरिका की भूमिका निभाने वाले क्रिस इवांस को $15 से $20 मिलियन यानी 104 से 130 करोड़ रुपए के तकरीबन फीस दी जाती है। क्रिस इवांस ने मार्वल के साथ 5 मूवीज की डील साइन की थी। इसी के साथ ही आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे, आयरन मैन 2 के जरिए एवेंजर्स में शामिल हुए ब्लैक विडो यानी कि स्कारलेट जॉनसन को इसके लिए $20 मिलियन यानी करीब 138 करोड़ रुपए की फीस दी जाती है। तो दोस्तों ये थी एवेंजर्स सीरीज के इन सभी एक्टर की फीस, जिसे जानकर आप भी शायद हैरान हो गए होंगे। आपको शायद नहीं पता होगा कि एवेंजर्स में काम करने के लिए इन सितारों ने भारी भरकम फीस निर्माताओं से ली है। खैर, यह तो होगी इन कलाकारों की फीस के बारे में। मार्वल स्टूडियो की आखिरी सीरीज एवेंजर्स एंड गेम सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। उम्मीद है आपने भी ये फिल्म देखी होगी। अगर आपने फिल्म देखी है तो हमें अपनी जरूर राय दें कि आपको ये फिल्म कितना ज्यादा पसंद आई है। कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताएं।